नमस्कार, थाना सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले युवक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके बहनों ने उनकी बहन पर हमला किया है, जो कि चौवारियों के रहने वाले हैं। शनि नाम के व्यक्ति ने हमला किया व सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। विशाल भाऊ, कहाँ रहते हो? मैं जिला देवरिया में रहता हूँ। थाना रामपुर का थाना, बरेली में। करेली में आप मेरी बहन की मतलब वो ससुराल है। कहाँ पे? करेली में। करेली में, हाँ। ये मार्केट थाना कौन सा लगता है करेली का? सुभाष नगर लगता है जी। क्या हो गया आपकी बहन के साथ? जी, मेरे बहन के साथ में पहले मतलब 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी। उसके बाद उसने मेरे बहन को बहुत मारा पीटा, तो मेरी मतलब दूसरी बहन यहाँ पे रहती है, तो वो दूसरी बहन अपने घर पे बुलाई थी उसको। मतलब मेरी बड़ी बहन के घर पे आके ये हादसा हुआ है। दूसरी बहन कहाँ रहती है? मेरी दूसरी बहन करेली में रहती है। फिर वहाँ पे आके मतलब जो मेरे बहनोई हैं उन्होंने काटा पीटा है। क्या नाम है? सनी। कहाँ रहते हैं? चौबारी रहते हैं जी। ये कब की घटना है? ये घटना परसों की है। परसों की जी। थाने में कोई कार्रवाई हुई? जी नहीं, अभी तो थाने में कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा लिखा गया? जी मुकदमा लिखा गया है। कार्रवाई नहीं हो रही है जी? नहीं। तो आज आप किस अधिकारी से मिले हैं बरेली में? एसएसपी साहब से मिला हूँ। क्या कहा साहब ने? साहब ने बोला कि कार्रवाई होगी, पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। कार्रवाई होगी जी। क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? सर, मैं उनके खिलाफ ये चाहता हूँ या तो फिर उनका इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो उम्र कैद सुनाया जाए। और सास ससुर भी साथ में पकड़े गए। सास ससुर भी हैं जी? हाँ, मगर वो नहीं पकड़े गए। क्या नाम है उन लोगों के, सास ससुर के, बता? ससुर का नाम उनका धर्मवीर है। अच्छा। और सासू का नाम प्रेममती प्राणी। कब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ ये मतलब पूरी फैमिली को पकड़ के, और जो मेरी बहन को काटा है या तो फिर उसको उम्र कैद की सजा हो, और नहीं तो उसको इनकाउंटर किया जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए।